जी बेटा आवाज आ रही सभी को मेरी ठीक है बेटा आज का जो टॉपिक था विद जो टॉपिक हम ड्रॉ टूल बार और मॉडिफ टूल बार करेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट टूल इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन शॉर्टकट इज एक्स एल शॉर्टकट इज एक्स एल एंड रे लाइन द शॉर्टकट इज ए रे आर ए वाई और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल होगा ये सभी उसकी शॉर्टकट है Then match properties, shortcut a तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन व्हाट इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन इन दिस कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे आप एक्सेल एंटर करते हो तो वहां पे आप देखोगे कि आपके कमांड लाइन पे कुछ ऑप्शन डिसाइड कर रहा है vertical, angle, यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल आपके कमांड लाइन के अंदर उसने कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं दिस ऑप्शन इज हॉर्जेंटल वर्टिकल बायसेक एंड ऑफसेट कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है कंस्ट्रक्शन लाइन जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है

ऑप्शन इज हॉरिजेंटल एच एंटर करता हूं अब जो भी लाइन लगेगी वो हॉरिजेंटल ही जहां पे भी क्लिक करोगे पूरी की पूरी स्क्रीन पे ही आपकी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन लगेंगी इसी तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल ये देखिए आपकी वर्टिकल लाइन अब ये जो लाइन है इन्फिनिटी वर्टिकल ही लगेगी इसी तरह से एंगल ए इज एंगल फोर्टी फाइव डिग्री एंगल जो भी एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं उसी एंगल के पे वो आपकी वहां परिटी टूटी बेटा दूसरा हमारे पास सेगमेंट क्या आता है क्या डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन लाइन इज इन्फिनिटी होती है रे लाइन में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है लेकिन एंड पॉइंट इन्फिनिटी होता है

हमारे पास प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है दिस वन टू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आप देखोगे दिस वन इज प्रॉपर्टीज बार ये मेरे पास प्रॉपर्टीज डार है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे पास तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट वन इज बाय कलर उस ऑब्जेक्ट का कोई कलर हो सकता है दैट इज ए बाय लाइन थिकनेस कि वो ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिकनेस है लाइन की मोटाई कितनी होगी दैट इज ए लाइन थिकनेस अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ लाइंस टाइप ऑफ लाइन का मतलब आपने वहां पे हिडन लाइन डॉटर लाइन ऑब्जेक्ट लाइन सेक्शन लाइन फैंटम लाइन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें टाइप ऑफ लाइन में जाना चाहते हैं अब बाइड आप देखोगे वहां पे बायलेयर ब्लॉक और कंटिन्यू लाइन है इन दर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखोगे इन दिस थर्ड ऑप्शन इन दिस थर्ड ऑप्शन जैसे आप इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हो वहां पे मेरे पास सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टीज आ रही है दैट इज ए बायलेयर यहां पे हर तरह की लाइन पास वहां पे शो हो रही है तो इसमें से कोई भी आप लाइन टाइप लेना चाहते हो उसको आप डिफाइन कर सकते हो मान लो जैसे मैंने कहा मेरे पास जिग्जा की लाइन चाहिए तो मैंने जिग्जा की लाइन ले लीजिए देखिए ये सारी लाइनें आपके अब पैलेट में अपलोड हो गई जैसे आप ओके के करते हो अब आप देखोगे वो सारी की सारी जो लाइन टाइप थी हमने लोड की थी वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई बाय बाय डिफॉल्ट हमारे वहां पे सिर्फ लेयर बाय ब्लॉक कंटिन्यू लाइन दिख रही थी तो हमने वहां पे अदर्स में जाकर नई लाइनें लोड कर ली दैट इज सेंटर लाइन हेडल लाइन जिक लाइन क्लियर बेटा अब इन लाइनों का बेनिफिट क्या है मैंने कहा मान लो कि मैंने एक यहाँ पे लाइन कमांड दे दी अब मैं चाहता हूं इस लाइन का कोई कलर चेंज करना यू चेंज द कलर तो मैंने जैसे इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करता हूं देन अगेन सिलेक्ट यहां पे मैंने कलर बार पे चला गया देन रेड कलर ये देखिए तो वहां पे उसकी जो कलर प्रॉपर्टी थी वो रेड हो गई ये देखिए अब मैं चाहता हूं ये लाइन भी रेड कलर पे असाइन हो जाए एक तो ऑप्शन आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करो देन गो फॉर द अपने प्रॉपर्टीज पैनल अप्लाई रेड कलर दूसरा हमारे पास ऑप्शन आती है मैच प्रॉपर्टीज मैच प्रॉपर्टी मोस्टली जैसे अपने वर्ड वगैरह में अपना paint, करते इसी तरह से यूज uh, 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 करते हैं इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑर्टेग में मैच प्रॉपर्टीज आती है देन अगेन एम ए एंटर मैच प्रॉपर्टीज एम एंटर वो पूछते द सोर्स जिस रिसोर्स की आपने प्रॉपर्टीज को मैच करना है मैं क्या कौन सा रिसोर्स है ये वाला अब वो पूछा जिस ऑब्जेक्ट को आप मैच प्रॉपर्टी करना चाहते हो मैं क्या ये वाला ऑब्जेक्ट अब इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस लाइन के ऊपर भी अप्लाई होगी आपको बार बार पिक करने के बाद उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अब उसके बाद मेरे पास कौन सी होती है लाइन थिकनेस मैं इसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूं यहां पे मैंने लाइन की थिकनेस दे दी लाइन थिकनेस इज पॉइंट फोर जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको बताता है इसका रेड कलर है और इसकी जो लाइन थिकनेस पॉइंट फोर है ये पॉइंट फोर आपकी हाईलाइट नहीं हो रही ये पॉइंट फोर तब तक आपकी हाईलाइट नहीं होगी जब तक आप अपना यहाँ पे लाइन थिकनेस को ऑन लाइन वेट को ऑन नहीं करोगे जैसे आप अपनी लाइन वेट को ऑन करते हो ऑब्जेक्ट ये देखिए यहाँ पे लाइन वेट दिखना शुरू हो गया काफी बच्चों के हो सकता है ये लाइन वेट पे ना आता अगेन पे आप क्लिक करोगे बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर कस्टमाइज की ऑप्शन आती है जहां पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास लाइन वेट को टिक लगा दोगे तो आपकी वो स्टेटस बार में एड हो जाएगी जैसे आप अपनी लाइन वेट को ऑन करते हैं तो वहां पे देखो उसकी थिकनेस दिखनी स्टार्ट हो गई जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं ये हाइड हो गई अब यहाँ पे आप क्लिक करते प्रॉपर्टीज तो किसी और सेगमेंट पे अप्लाई करना मैंक्ट फॉर दिस वन ये अब इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर वो सेम कलर और सेम लाइन टाइप भी उसने सॉरी लाइन वेट भी उसमें उसपे अप्लाई कर दिया अब मेरे पास थर्ड ऑप्शन आती है दैट इज ए हिडन लाइन डॉट लाइन आपने काफी ऑब्जेक्ट का हिडन लाइन लाइन दिखानी होती है अगेन दिस ऑब्जेक्ट अगेन हिडन लाइन अब आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिडन लाइन अप्लाई हो गई लेकिन आप देखोगे ये दिख नहीं रहा बहुत जूम करने से आपको वो लाइन टाइप दिख रही है लेकिन मैं चाहता हूं इतने के स्केल पे इन दिस फ्रेम इस फ्रेम पे मेरे पास हिडन लाइन भी शो तो अकॉर्डिंग टू विजन हम अपने स्केल साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे जैसे मैं कंट्रोल वन करता हूं तो आप देखोगे साइड में मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है दिस कॉल्ड इज ए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स दिस वन कॉल्ड इज ए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स एंड दिस वन इज ए प्रॉपर्टी पैनल इन दोनों में डिफरेंस नहीं है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो सेम चीज यहां पे भी पैनल पे दिखती है दैट इज ए डायलॉग बॉक्स जैसे आप इस लाइन को सिलेक्ट करते हो वहां पे भी, उसने आपकी में भी दिख रही है, वो कौन सा कलर है कौन सी सेंटर लाइन ये लीजिए तो आप वहां से सेंटर लाइन चूज कर चूज हिडन लाइन तो आप वहां से भी हिडन लाइन को भी चेंज कर यहां पे मेरे पास ऑप्शन आती है दिस वन ऑप्शन इज लाइन टाइप स्केल मैंने लास्ट टाइम भी कहा अकॉर्डिंग टू विजुलेशन इसके स्केल इसका स्केल क्या है वन है तो मैंने कहा कि इसका जो स्केल है मेरे को टेन चाहिए ये देखिए जैसे आपने टेन चूज किया वहां पे आप देखोगे आपकी बॉडी विजुअल होनी शुरू हो गई मैंने कहा नहीं थोड़ा सा स्केल टाइप और बढ़ा दू ट्वेंटी कर देता हूं अब देखिए अब इतने के स्केल पे आपको अपनी हिडल लाइन डॉट लाइन दिख रही है अगेन मैं क्या मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज इसी की मैच प्रॉपर्टी जैसे मैं करता हूँ उसके ऊपर भी हिडल लाइन डॉट लाइन ना

अब मैंने कहा कि मैंने ऑर्थोग्राफी व्यूज कैसे बनाने तो मैं अपनी शीट नंबर ऑन करता हूं दिस वन टू ऑब्जेक्ट ऑलरेडी काफी बच्चों ने अपनी शीट के ऊपर टॉप फ्रंट साइड जनरेट किए होंगे तो मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास जो टारगेट है दिस वन टू टारगेट कि मैंने कहा ये वाला का टॉप फ्रंट साइड बनाना तो इस वाले ऑब्जेक्ट का टॉप फ्रंट साइड कैसे जनरेट करोगे तो सबसे पहले आपका जो टारगेट टारगेट है इसकी लेंथ विड्थ और हाइट कैलकुलेट करना है इसकी लेंथ कितनी है विड्थ कितनी है और उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है मैं कहता 36 है 37 है और 32 है तो इन्हीं के बेसिस पे सबसे पहले हम अपने ब्लॉक रेडी करेंगे मोस्टली काफी बच्चे क्या करते हैं टॉप में पहले जो जो दिखता है वो बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये चीज दिखी ये चीज दिखी तो वो बनाना स्टार्ट कर देंगे लेकिन उससे पहले हम अपने ब्लॉक रेडी करेंगे जिस पे अंदर अंदर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैंने कहा सबसे पहले अपना ब्लॉक रेडी किए मैं कहा लाइन कमांड दी गोफो द लाइन ऑर्थो मैंने अपना ऑन कर लिया थर्टी सिक्स बाय थर्टी सेवन ये लीजिए इसका मतलब ये मेरे पास ब्लॉक आ गया दैट इज अ टॉप व्यू टॉप व्यू दैट मीज अ टॉप व्यू इसी का फ्रंट में क्या दिखेगी With उनकी सेम होगी जो फ्रंट में सॉरी टॉप में है लेकिन फ्रंट में हम हाइट इंक्लूड करेंगे दैट इज एटी टू ये तो वहां पे मैंने क्या किया थर्टी टू की हाइट वहां पे प्रोवाइड कर दी ये लीजिए अब बेटा जब भी आपने यह देखोगे मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन लाइन चूज की यहां पे जब भी मैंने किसी ब्लॉक को बनाया तो वहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उसके पैरल लाइन वहां पे ड्रॉ हो गई अगेन मैंने कहा लाइन कमांड दी यहीं से एक लाइन रेफरेंस लाइन दे दी ऑफसेट इज थर्टी टू यहीं से मैंने थर्टी टू का ऑफसेट दे दिया अब जब भी आपने कंस्ट्रक्शन लाइन ये केयरफुली सुन लीजिए बेटा जब भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन को ट्रिम करोगे उसको बाय सिलेक्शन ट्रिम करना है सिलेक्शन ट्रिम ट्रिम का मतलब पे हम उस ऑब्जेक्ट की टू करते हैं कैसे होता है बेटा एक बार मैं आपको साइड में रिपीट कर देता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं दिसमेट ऑब्जेक्ट तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने इस लाइन को डायरेक्टली यहां तक ट्रिम करना तो आप क्या करोगे 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 डबल स्पेस करते हो ये ये पहले रुक रुक जाएगी जाएगी अगेन अगेन आप फिर फिर से एज रुख रुख, फिर अगेन ये एज जाएगी। अब यहां पे मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन सिलेक्शन मेथड मेथड के के साथ के साथ मैं, इस को मैं ट्रिम करना चाहता हूं कैसे ट्रिम करूंगा यहां पे बेटा आपने ख्याल रखना है अब उसको आप बताओगे कटिंग ऑब्जेक्ट है क्या कटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब जहां तक आपने रखना है कटिंग ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो मैंने वो कटिंग ऑब्जेक्ट मतलब जहां तक मैं उसको रखना चाहता हूं देन अगेन एंटर अब वो पूछता कटिंग एलिमेंट बताओ इसका मतलब जिस साइड आप क्लिक करोगे उसी साइड की बॉडी आपकी इनफिनिटी टू इनफिनिटी ट्रिम हो जाएगी क्लियर चलिए अब इसी चीज को हम ड्राइंग में यूज करते हैं मैं कह मेरे पास

का टॉप और फ्रंट में कैसे बना अब आपने कहा कि मैंने साइड बनाना है तो हमें साइड बनाने के लिए तो वहां पे हमें साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक 45 डिग्री एंगल पे लाइन लगानी पड़ेगी तो मैंने क्या किया यहां से एक स्टेट रेफरेंस लाइन लगा दी अब इस लाइन को मैंने रोटेट कमांड देकर 45 डिग्री एंगल पे वो रोटेट कर दिया दी 45 डिग्री एंगल ये लीजिए अब मैंने कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल Horizontal, horizontal वर्टिकल लाइन लगा दूंगा अगेन ट्रिम बाइस ट्रिम मैंने फिर से रिपीट किया ट्रिम टी आर सिंगल स्पेस दिस ऑब्जेक्ट एंटर इस पॉइंट को यहाँ से बॉडी को अपने यहां से अगेन सिंगल स्पेस अगेन एंटर सेलेक्ट दिस कटिंग ऑब्जेक्ट ये ले तो आपने यहां से अब ये जो लाइनें कंफ्यूज कर इनको डिलीट कर देंगे आपने कभी भी अपनी 45 डिग्री लाइन को डिलीट नहीं करना है तो इसका मतलब ये मेरा टॉप फ्रंट और साइड रेडी हो गया ठीक है अब टॉप और फ्रंट से साइड बन जाएगा मतलब हमारे पास दो कोई भी व्यू हम तीसरा व्यू अपने आप ही जनरेट कर सकते हैं तो अब उसके बाद हमारे पास बात आ गई कि हम डिस्कस करें मेरे पास टॉप व्यू में क्या क्या दिख रहा है तो मैंने कहा टॉप में मेरे पास ये चीज दिख रही है ये वाला पैनल दिख रहा है ये वाला पैनल दिख रहा है और ये रेडियस और ये कट वाला रेडियस दिख रहा है तो उसी हिसाब से मैंने सेटअप किया यहाँ पे तो मैंने कहा उसी हिसाब से मैंने पैनल को सेटअप किया मैं दिस वन टू अगेन टू एट यहां से मैंने एट का ऑफसेट दे दिया यहां पे मैंने एट का ऑफसेट दे दिया

क्लियर तो जहां फिर हम अपना थ्री पॉइंट यूज करते हैं हम सेंटर ऑब्जेक्ट यूज करते अगेन सर्कल सर्कल इसी के के नाइनटीन रेडियस नो रेडियस एक एलिमेंट और बनाओ मैं दिस वन टू ऑब्जेक्ट यहां से ये बॉडी यहां से ये बॉडी दिस क्वाडेन टू दिस वन क्वाडेट अगेन ट्रेम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट ये बॉडी आपकी यहां से ट्रेम होगी और ये बॉडी आपकी यहां से ट्रेम होगी अगेन ट्रिम, हो ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट यहां से इस बॉडी को ट्रिम कर दिया ये बॉडी मैंने डिलीट कर दी अब मैंने लाइन कमांड दी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लीजिए जो जो चीज मेरे पास टॉप में दिख रही थी ये टॉप में ये ब्लॉक ये ब्लॉक और ये ब्लॉक इन ब्लॉक को मैंने वहां पे असाइन कर दिया क्लियर अब उसके बाद हमारे पास तो आपका फ्रंट बनाना है तो फ्रंट में हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो फ्रंट में हमें क्या दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये वाली बॉडी ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी तो वहां पे उसने कहा कि पे पे जो जो हाइट है, that is 11, वहां पे उसने 11 दिया हुआ। ये आपका जो रेडियस है उतना उसने हुआ। ये आपका थर, six radius वहां पे define किया हुआ. तो मैंने कहा इसी के हिसाब से मैंने फ्रंट रेडी किया फिर ऑफसेट इलेवन मैंने, मैंने यहीं से इलेवन का ऑफसेट दे दिया ये ले जीए. अगेन मैं ऑफसेट कंस्ट्रक्शन लाइन वी इज ए वर्टिकल ये देखिए ये पॉइंट मैंने वहां पे मार्क कर लिया अगेन यही सोच रहेगागमेंट एंड दिस सेगमेंट ये बॉडी यहाँ से ट्रिम हो गई अगेन सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट ये देखिए वहां पर मैंने बाय सेलेक्शन ही ट्रिम किया तो जैसे मैंने ट्रिम किया ये सेगमेंट आ गया मैं अगेन सर्कल टी टी आर

हॉरिजेंटल ये देखिए यही से मैंने हॉरिजेंटल प्लेस किया है ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट ये बॉडी यहां से आपकी यहां से ट्रिम होगी अगेन मैंजेंटल टॉप से मैंने इसी के पैनल को सेट किया कंस्ट्रक्शन वर्टिकल ये मैंने ये सी पॉइंट को यहाँ पे मैं अगेन ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट ये बॉडी यहां से ट्रिम हो ये बॉडी यहां से मैंने यहां पर भी बाय सेलेक्शन ट्रिम चूज किया अगेन मैं कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल कौन सा का ये वाला पॉइंट अगेन कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल फॉर दिस वन पॉइंट इसकी हाइट कहां तक थी कंस्ट्रक्शन थीजेंटल मैयर कर लिया अगेन ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट अगेन सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट अगेन सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट अगेन सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट ट्रिम फॉर दिस में ट्रेम ये लीजिए तो मैंने कहा साइड में मेरे पास कुछ इस तरह से सेगमेंट दिखेगा दिस टू साइड साइड व्यू में दिख क्या रहा था ये स्टेट बॉडी अगेन दिस ऑब्जेक्ट और यहाँ से ये वाला बॉडी तो मैंने उसी हिसाब से इसको पे कर दिया अब मेरे पास आती है कि हिडन लाइन अब इस सेगमेंट में हिडन लाइन कहाँ दिख रही है यहाँ पे आपकी हिडन लाइन भी कुछ शो हो रही है तो मैंने कहा अगेन कंस्ट्रक्शन वर्टिकल कौन सा मैं कहा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर किया मैं अगेन ट्रिम लेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दी लेकिन मैंने कहा हिडन लाइन ये लीजिए लोड दिडन लाइन लोड द सेंटर लाइन तो मैंने यहीं से अपनी हिडन और सेंटर लाइन मैं सिलेक्ट फॉर दिस वन अप्लाई दिडन लाइन ये देखिए अब यहाँ पे देखोगे वो जूम करने से दिख रहा है अकॉर्डिंग टू विजल इसके स्केल को इंक्रीज और डिक्रीज करना अगेन तो वहां पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ बॉक्स फाइव कर दी दे। ये देखिए मैं अगेन सेम मैच प्रॉपर्टीज एम ए मैच प्रॉपर्टी इसी पे अप्लाई कर दी लीजिए मैंने इसी के ऊपर अपनी मैच प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी अगेन मैं कंस्ट्रक्शन हॉर्जेंटल अब ये वाली एज भी वहां पे दिखेगी कंस्ट्रक्शन बी इज ए वर्टिकल दिस वन पॉइंट फॉर दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट ये बॉडीज से से मैं एम ए इज ए मैच प्रॉपर्टीज ये यहाँ से हम अपनी मैच प्रॉपर्टी अगेन मैं कंस्ट्रक्शन वी इज कंस्ट्रक्शन इज ए हॉर्जेंटल कौन से पॉइंट था मैं ये वाला पॉइंट भी दिखना है कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल ये हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क किया ट्रिम सिलेक्ट फॉर इट दिस वन टू सेगमेंट बाय सिलेक्शन देखो यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूं सिंगल स्पेस सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर देन दिस वन सेगमेंट अगेन मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टीज इसी अपडेट को हमने यहाँ पे मैच कर दिए अगेन मैं कहा ट्रिम दिस वन टू ऑब्जेक्ट फॉर डिफाइंड फॉर दिस वन सेगमेंट लाइन

अब इस ड्राइंग में सबसे पहले हम सेम अपने पैरामीटर साइड में फ्रंट साइड एंड हाइट कितनी है थर्टी टू पे मैंने सबसे पहले क्या बना एक ब्लॉक रेडी कर दिया विच यूज द ब्लॉक मैंने यहीं से अपना एक ब्लॉक रेडी किया है लाइन कमांड फिर से मैंने सेटअप की गो फॉर द लाइन लाइन विच यूज द लाइन दैट इज ए फिफ्टी अगेन दैट इज एटी टू अगेन दैट इज फिफ्टी

एंगल पे ये लीजिए अगेन कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल तो मैंने दोनों के हॉरिजेंटल पॉइंट को पिक किया अगेन कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल तो वहां पे मैंने वर्टिकल लाइनों को सिलेक्ट किया अब यहाँ पे मैं बाय सिलेक्शन ट्रिम कर रहा हूँ बाय सिलेक्शन सिलेक्ट द टू हॉरिजेंटल लाइन देन अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट अगेन वी सिलेक्ट द टू वर्टिकल लाइन एंटर देन अगेन ट्रिम फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट ये इनका मोटिव खत्म डिलीट आपने 45 डिग्री लाइन को डिलीट नहीं करना अब टॉप में क्या दिख रहा है तो मैंने कहा टॉप में सबसे पहले मेरे पास ये बॉडी ये बॉडी और ये वाला सेगमेंट दिख रहा है तो मैंने से रेडी कर दिया थर्टी फोर है यहाँ पे थर्टी फोर नाइन थर्टी फोर एंड एट तो मैंने कहा ऑफसेट थर्टी सॉरी ट्वेंटी फोर यहीं से ट्वेंटी फोर दिस

Select for this segment. ये body यहाँ से trim हो गई ये body यहाँ से trim हो गई Again offset सेट फोर तो यही से उसने कहा ऑफसेट डाउन फोर्ट चार का है अगेन कंस्ट्रक्शन V is a vertical. This point and this one point. Again, trim by selection. Trim, trim for a this body and this body. Again, trim for a this one segment. Ye body yahan se aur ye body apki yahan se trim kar. Ab usne kaha, mere pas wahi se object diya hai construction. V is a vertical. तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट मार्क कर दिए ये वर्टिकल पॉइंट अगेन ट्रिम बाय सिलेक्शन ट्रिम इसको यूज किया फिर से मैंने अगेन ट्रिम दिस वन टू फॉर दिस सेगमेंट ये बॉडी आपकी यहां से मैं अगेन सर्कल पे चला गया थ्री पॉइंट सर्कल है मेरे पास फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट अगेन ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट ये बॉडी आपकी यहां से अगेन ट्रिम फॉर दिस वन बॉडी दिस वन इसका मोटिव खत्म डिलीट 45 डिग्री लाइन को आपने डिलीट नहीं करना है तो मेरे पास जो जो फ्रंट में दिखा मैंने साइन कर दिया अब इसी तरह से जो जो साइड में दिखेगा मैं साइन कर दिया कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल कर दिया और ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे मार्क कर दिया अगेन कंस्ट्रक्शन वी इज ए वर्टिकल दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट ये बॉडी आपकी

साइड में दिख रहा मैंने वो बना दिया इसी के सेंटर रेडियस पे उसने कहा रेडियस सर्कल अब मेरे पास बात लाइन दिखानी है यहां से ट्रिम हो गई तो मैंने क्या किया मैच प्रॉपर्टीज अगेन गो फॉर द मैच प्रॉपर्टीज इसी की मैच प्रॉपर्टी को सेटअप कर लेता हूं यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन ऑब्जेक्ट ये लीजिए

क्योंकि यहाँ पे जो जो पीछे है, लेकिन ये फ्रंट इधर से, से दिख रहा है। तो आपको ये हाफ सर्कल और ये सर्कल वाला भी ऑब्जेक्ट हिडन में दिखेगा तो वहां पे मैंने फिर से चूज किया मिरर कमांड दे दी मैंने यहीं पे मैं ये लीजिए अब ये जो हाफ सर्कल है ये मिरर में हिडन में दिखेगा तो मैंने यहीं से सेगमेंट सेटअप किया ये आपकी हिडन लाइन आ गई अब इसका मतलब ये वाला सर्कल भी आपका हिडन दिखेगा मैं ट्रिम ट्रिम सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट को मैंने कर दिया अगेन मैंने क्या किया इसी ऑब्जेक्ट की दोबारा से एक सर्कल और लगा देता हूं ट्रिम ये लीजिए मैं मैच प्रॉपर्टीज दिस वन टू मैच प्रॉपर्टी ये लीजिए तो आपका क्या हो गया फ्रंट और साइड रेडियो में अगेन कंस्ट्रक्शन हॉरिजेंटल कौन सा मैं क्या ये वाला पॉइंट हॉरिजेंटल दे दिया कंस्ट्रक्शन वी इज ए वॉरिजेंटल

ठीक है तो आप मेरे को इवनिंग तक जितने भी नंबर ऑफ टॉप फ्रंट साइड हम बना सकते हैं उन बनाएंगे प्रॉपर्टीज डायलॉग मैंने बता दिया डायलॉग्स कंट्रोल एल पी आर और सी एच सभी उसकी शॉर्टकट है क्लियर बेटा और कोई डाउट हो आप मेरे को बेसर आपने कभी भी अपनी 45 डिग्री लाइन को डिलीट नहीं करना है क्लियर तो इसी तरह से आपने पहले सबसे पहले क्या करना है आपने अपने ब्लॉक बनाने हैं जिसके अंदर अंदर टॉप फ्रंट साइड रेडी होगा देन उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाने ऑब्जेक्ट लाइने जैसे टॉप में क्या क्या दिख रहा है फ्रंट में क्या कहते हैं हिडन लाइन हम फर्दर बनाएंगे ठीक है सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रेडी किए देन उसके बाद हमने उसका सेंटर और हिडन लाइन लगाकर हमने ऑब्जेक्ट रेडी कर दिया क्लियर बेटा ठीक है बेटा कल हम मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर तो तब तक मैं आपकी जो असाइनमेंट अभी अपलोड कर देता हूं आप उस पर प्रैक्टिस करना मैक्सिमम मैक्सिमम जितने हो सके उसके ऑर्थोग्राफी व्यूज बना के हमें देना ियर बेटा थैंक यू बेटा और कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना